हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक के स्विच पेज को डिलीट कर सकते हो। यानी एक से ज़्यादा अगर आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर पेज बने हुए हैं तो आप उन्हें कैसे डिलीट कर सकते हो, आज इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको बताने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होते यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्विच पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे दो पेज बता रहा है। पहला पेज तो यहाँ पर प्रमोट मीडिया और दूसरा जो पेज है वो यहाँ पर एस आन एल एडिट्स के नाम से बना हुआ है, जो मेरा यहाँ पर पर्सनल पेज है। आप जाके यहाँ पर इसे फॉलो कर भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रमोट मीडिया जो पेज है इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रमोट मीडिया पर क्लिक करता हूँ और इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर क्या है, आपको अपनी प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सेटिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज सेटिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, फिर से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को जरूर मिल जाएगी, एक्सेस एंड कंट्रोल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को जरूर मिल जाएगा, डीएक्टिवेट पेज और डिलेट पेज। तो यहाँ पर मैं डिलेट पेज पर क्लिक करता हूँ, जिससे मेरा जो पेज है वो यहाँ पर परमानेंटली डिलेट हो सके। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी एक प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है कि मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर किस, जो मेरा यहाँ पर पेज है वो यहाँ पर किस वजह से डिलीट करना चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा, यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू कर देना है। फिर से कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना है, जिससे आपका जो पेज है वो यहाँ पर डिलीट हो सके। तो यहाँ पर मैं अपने फेसबुक पेज का पासवर्ड डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना है, जिससे आपका पेज है वो यहाँ पर डिलीट हो सके। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डिलीट पेज, तो यहाँ पर आपका जो पेज है वो यहाँ पर 30 दिनों के अंदर अंदर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बता भी रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट पेज पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद यहाँ पर आपका जो पेज है वो यहाँ पर परमानेंटली 30 दिनों के अंदर अंदर डिलीट हो जाएगा। तो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं कि वो पेज है वो यहाँ पर बता रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट में आ चुका हूँ। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं स्विच पर क्लिक करता हूँ। स्विच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज बता रहा है, और जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर ऊपर बता रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए बताएगा। 30 दिन के बाद ये पेज यहाँ पर परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप वापस लॉगिन करना चाहते हो 30 दिनों के अंदर अंदर, तो यहाँ पर आप इसे वापस लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पेजेज पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर आपको बताता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रमोट मीडिया, हमने जो पेज यहाँ पर डिलीट किया था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अगर आप इसे वापस एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, और 30 दिनों के बाद ये एक्टिवेट का जो ऑप्शन है और जो ये अकाउंट बता रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट का स्विच पेज को डिलीट कर सकते हो।